अभिषेक शर्मा को डिफाइन करें, उनका बैलेंस, बैट स्पीड, हाँ उनकी आई पिक करना, क्या क्या चीज क्या है. मैं तो यार आई हैव बिकम अ फैन ऑफ दिस हैंडसम यंग बैट्समैन. छक्कों की टेंडेंसी ज्यादा है इनकी, अच्छी मार, पिकअप अच्छा है, ये ज्यादा मेच्योर नजर आ रहे हैं अभिषेक. अभिषेक ने जैसे बैटिंग की है और क्या कमाल की बैटिंग, उसी इंटेंट के साथ डेंजरस बैट्समैन है. जितना लंबा खेलता जाएगा स्कोर बोर्ड जैसे जैसे चलता जाएगा उससे ज्यादा मोमेंटम पकड़ता जाएगा, क्योंकि ऐसा एग्रेसिव बैट्समैन है, पॉजिटिव बैटिंग, और जैसा स्टार्ट चाहिए एज ए ओपनर वैसा ही स्टार्ट दिया. स्पेशली अभिषेक शर्मा का वो बैटिंग या वो इनिंग खेलना जिसका सबको इंतजार था, ये बहुत बड़ा जबरदस्त मोमेंट है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि अगर रोहित शर्मा चले गए तो अभिषेक शर्मा ने एंट्री मारी है यहाँ पर. आईपीएल के आगे क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे, स्टैंडर्ड क्वालिटी, फट्टा विकटे, फलाना टिमकाना, सबसे ज्यादा तो पहला वो अभिषेक शर्मा. तो अभिषेक शर्मा ने जनाब कल की जीरो का बदला अपने 100 रन करके लिया, डेवस्टेटिंग नॉक, छक्के अगले ने मारे हैं भाई साहब, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना सुचल, आखिर नेक्स्ट लेवल. और जिस तरह से जो है अभिषेक शर्मा ने 100 रन किए, 8 छक्के और 7 चौके मारे, और 100 की सेंचुरी उसने जो है T20 वर्ल्ड कप के अंदर कंप्लीट की, ये रिकॉर्ड तो ना रोहित शर्मा ने बनाया ना विराट कोहली ने. तो ये जो अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा, ये कॉपी तो नहीं निकल के आ रही. बिल्कुल ऐसी है, रुके कोई नहीं, अभिषेक शर्मा का बल्ला ऐसा चला 100 रन के जो ऊपर जाके रुका, वो भी यार उस बंदे ने 47 बॉलों के ऊपर 100 रन का जो स्कोर सेट किया ना, ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है आईपीएल के लड़के जब भी जहां मर्जी मैचेस का पता पड़े. ये क्या prodigiously talented, amazing, spectacular, brilliant, extraordinary जो है वो है अभिषेक शर्मा, a new kid on the block. लेकिन इसमें जो सबसे नुमाया है ना वो अभिषेक शर्मा है, सिक्सेस के लिहाज से. आज जो हैच खेला गया, दैट वाज आप कह सकते हैं कि जो उसका बैक एंड मैसेज था, दैट वाज मच डीपर. डीपर इस लिहाज से कि क्या prodigiously talented, amazing, spectacular, brilliant, extraordinary जो है वो है अभिषेक शर्मा, a new kid on the block, और जिसे ruthlessly slay किया, they murdered at the backyard, आप ये कह सकते हैं, and this has just been amazing. फिर अभिषेक शर्मा ने जो आज कर दिया, and nothing much more to say, let's get to राशिद लतीफ. 28 गेंदों पे 75 एक बच्चा करता है, 8 छक्के लगाता है, 265 स्ट्राइक रेट. पाजी ए स्टाइल टेक्निक मेथड जरा उधार नहीं मिलेगा. अमेजिंग है राशिद भाई, इसमें जरा फूल फेंके, यो फूल फेंके. थोड़ा हैवी वेट बन के सामने आई है. एक होता है आज जो मुकाबला हुआ, लाइट वेट और हैवी वेट का मुकाबला लगा, जिन टीम की बॉलिंग तगड़ी है, बैटिंग भी अच्छी है, तो वो नजर आ रहा है. और आज का जो मुकाबला था बहुत अहम था. T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद यंग इंडियन 11 को मौका दिया गया कि वो जिम्बाब्वे में जाकर अपने डेब्यू करें, अपनी किस्मत को आजमाएं. लेकिन पहले मैच के अंदर इंडिया की परफॉर्मेंस खासी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन दूसरे मैच के अंदर जैसा कि पहले बताया गया था कि अभिषेक शर्मा आईपीएल का बेस्ट टैलेंट है, जिन्होंने ट्रेविस हेड के साथ खासी लंबी पार्टनरशिप खेली आईपीएल के अंदर, और सबकी नजरें उनकी परफॉर्मेंस पर थी, और आज के मैच में अपने डेब्यू T20 इंटरनेशनल मैच के अंदर सेंचुरी कर दी, शानदार सेंचुरी, 47 बॉल पे सेंचुरी, जो कि बहुत आगे उठाकर ले गई उनको. पाकिस्तानी मीडिया कहने कि आज के मैच में अभिषेक शर्मा की सेंचुरी बहुत बड़ी सेंचुरी साबित हुई है, क्योंकि ये एक खिलाड़ी की डेब्यू के अंदर पहली सेंचुरी है, और अगर वो खिलाड़ी डेब्यू में सेंचुरी करता तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है. उसके अलावा पृथ्वीराज गायकवाड, रिकू सिंह, ये दो वो नाम है जो कि आईपीएल में बहुत ज्यादा मशहूर हुए, और आईपीएल के बाद से इंडिया के हर अंडर-19 की टीम में, हर डोमेस्टिक फॉर्म में उनका मौका दिया जा रहा है. लेकिन आज के मैच में पृथ्वीराज गायकवाड के शानदार 70 रन, और रिंकू सिंह जिनको कहा जाता है कि वो बेस्ट फिनिशर है, आज के मैच में रिंकू सिंह ने 22 बॉल पर 44 रन की शानदार निकली खेली, बनाने के लिए 44 रन, उन्होंने 5 छक्के लगाए. रिंकू सिंह की खास बात यह है कि वो उस मौके पर परफॉर्म करता है जिस मौके पर उनको टीम की जरूरत होती है, जैसे कि रोहित 11 के अंदर जो काम करते हैं ऋषभ पंत के बाद जो काम करते हैं सूर्य कुमार यादव, वही काम करते हैं रिंकू सिंह इस यंग इंडिया टीम के अंदर. शुभ अख्तर कहना है कि आज के मैच में जैसा यंग इंडिया ने खेला है, ये बिल्कुल लग रहा है कि यंग इंडिया बिल्कुल तैयार है बड़े लेवल पर खेलने के लिए. तनवीर अहमद का कहना है कि जिस तरह यंग इंडिया ने परफॉर्म किया है, यही यंग इंडिया अगर इनको मजीद मॉडिफाई किया गया तो बहुत जल्द ही आने वाले दौर के अंदर अपने पुराने खिलाड़ी को रिप्लेस करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे, बिलखसूस अविनाश, बिलखसूस अभिषेक शर्मा. उसके अलावा पृथ्वीराज गायकवाड़, शुभमन गिल और रिंकू सिंह, ये
चार पांच वो नाम है, इनके अलावा संजू सैमसन, ये पांच वो खिलाड़ी हैं। अगर बीसीसीआई बोर्ड इन पर मजीद फोकस करे, इनको मजीद मौके दे, तो ये आगे चलकर इंडिया को बहुत आगे लेके जाएंगे। कि सिर्फ आईपीएल का ठप्पा और युवराज सिंह का नाम लगा हुआ साथ, तो कुछ खुद कुछ करना पड़ेगा। तो इंडिया ने जनाब अभिषेक शर्मा की सेंचुरी की बदौलत टोटल स्कोर किया 234। तो ये जो यंग लॉट है टीम इंडिया की, इसने आज थोड़े से ना अपने असल कलर्स दिखाए हैं। जो आईपीएल का इसका 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है ना 2024 के सीजन का, आज अभिषेक शर्मा ने ना थोड़ा उसको जस्टिफाई किया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरा मैच है बच्चे का, डेवस्टेटिंग नॉक, छक्के अगले ने मारे हैं भाई साहब, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना सुचल, आखिर नेक्स्ट लेवल। और जिस तरह से जो है अभिषेक शर्मा ने 100 रन किए, 8 छक्के और 7 चौके मारे और 100 की सेंचुरी उसने जो है टी20 वर्ल्ड कप के अंदर कंप्लीट की, ये रिकॉर्ड तो न रोहित शर्मा ने बनाया ना विराट कोहली ने। तो ये जो अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा, ये कॉपी तो नहीं निकल के आ रही? बिल्कुल ऐसी है। अगर बात करें इंस्टेंट रिवेंज लेना ना, तो भाई टीम इंडिया से सीखो। पहला मैच ये बच्चे हारे, लोगों ने क्रिटिसाइज किया आईपीएल के किड्स, आईपीएल में खेल सकते हैं, इंडिया में खेल सकते हैं, बाहर जाके नहीं परफॉर्म कर सकते। भाई सेकंड ही मैच के अंदर ऐसा ग्रेट कमबैक करना, 100 रन से विन करना, और भाई अभिषेक की आपने बात की, नो डाउट भाई क्या प्योर टैलेंट है, उसके लिए क्लैपिंग बनती है कि 100 रन अपनी सेकंड इनिंग आपकी पार्टी करना। रोहित कर सके ना, विराट ना, बाबर आजम ना, दुनिया क्रिकेट के ग्रेट्स नहीं कर सके जो अभिषेक ने कर दिया। 8 छक्के 7 चौके विद ईज उसने इतनी इजी सिक्सेस मारे हैं, लग रहा है कि यार उस बंदे के पास 100 साल का एक्सपीरियंस है, वो विराट कोहली की क्लास से खेल रहा है। जिम्बाब्वे ये बात याद रखेगी कि भाई हमने इंडिया के यंग लड़कों को दोबारा नहीं हराना, हमने इनको, आपने कहा इंडिया की सी टीम, मैं नहीं मानता, बिलीव करें सी टीम 234 रन करी है, ये सी टीम नहीं है, ये हमारी टीम से बेहतर है। अगर इनके हमारी टीम से मुकाबला करा दे, ये हमें चपेटे मारे ग्राउंड में खड़े हो गए, यकीन करें। जैसे आज क्रिकेट उन्होंने खेली है भाई साहब, 234 रन करना कोई मजाक नहीं है 120 बॉल्स के अंदर, और जैसे एक ओवर में 28 रन, 24 रन, 26 रन, और इवन के इतने बड़े बड़े जाके छक्के मार रहे हैं, 104 मीटर का छक्का मारा है। रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट इंडिया को चाहिए, उसके बाद अगर बात करें विराट की रिप्लेसमेंट चाहिए, रविंद्र जडेजा की रिप्लेसमेंट चाहिए, रिप्लेसमेंट रेडी है, एक शर्मा गया है तो दूसरा शर्मा आ गया है। आईपीएल के बच्चों ने आज जिम्बाब्वे को पिछाड़ के रख दिया, क्या कहना चाहेंगे? यार सीधी सी बात है, आज तो जिम्बाब्वे के लड़कों ने को इंडिया ने बता दिया कि बाप कौन है। मतलब है कि देखो पहला मैच जीत के बड़े पुड़क रहे थे, बड़ी छलांगे मार रहे थे कि इंडिया से जीते है, और वो सी टीम थी, आईपीएल के लड़के थे जिनसे तुम लोग जीत गए। लेकिन आज के मैच के अंदर 234 रन का इंडिया ने ऐसा टारगेट दिया ना, ऐसा स्कोर सेट किया ना कि जिम्बाब्वे के बोर्ड के ऊपर, उनके स्टेडियम के ऊपर सेट हुआ है, और वो देख रहे थे कि यार ये मारी किए हैं, रुके कोई नहीं। अभिषेक शर्मा का बल्ला ऐसा चला 100 रन के ऊपर जाके रुका, वो भी यार उस बंदे 47 बॉलों के ऊपर 100 रन का जो स्कोर सेट किया ना, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है। आईपीएल के लड़के जब भी जहां मर्जी मैचेस का पता पड़े, ये आईपीएल के लड़के नहीं, ये इंटरनेशनल खेलने वाले लड़के। यार अभिषेक शर्मा 100 स्कोर मारा है, ऋतुराज गायकवाड़ 77 स्कोर मारा है, वो भी कितने बॉलों के ऊपर, 47 बॉलों के ऊपर। उसके बाद 37 कसर आगे निकाल दिया रिंकू सिंह ने, वो बंदा आया, वो बंदा आगे ऐसा लगा पूरी टीम को जिम्बाब्वे की, 47 स्कोर मार दिया उसने, 5-6 छक्के उसके और 4-5 चौके, मतलब ऐसा वो मारी गया, बेस्ट फिनिशर इन द वर्ल्ड ऑफ द सारी पाकिस्तान की आवाम। जब कल सोशल मीडिया के ऊपर ये सी टीम हारी है ना इंडिया की, जिम्बाब्वे ने कहा जी तुम लोग जिम्बाब्वे से हार गए, हमारा बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 स्कोर मार जाता। आज उसी जिम्बाब्वे को इंडिया के सी टीम ने, अभिषेक शर्मा ने, ऋतुराज गायकवाड़ ने, रिंकू सिंह ने, तीनों ने मिलकर 234 रन का टारगेट दिया था, जो कि इनसे चेंज नहीं हुआ।